दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, SC NDBC। आज का वीडियो है दोस्तों, जैसे कि अभी यहाँ इस फार्म में एक बीमारी आ गई थी और उस बीमारी का नाम है दोस्तों इकोली। इकोली बीमारी एक प्रकार की ऐसी बीमारी होती है दोस्तों, तो इसमें मैं कुछ देसी नुस्खे बताऊंगा और देसी नुस्खों के साथ में सावधानियाँ। अगर दोस्तों अगर आप लोगों को इकोली बीमारी से बचाव रखना है अपने बर्ड का, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है, सिर्फ इसके बचाव का कारण जो है वो है सावधानियाँ और साफ़ सफाई। अगर आप सावधानियाँ ये बरतते रहेंगे तो ये मान के चलिए दोस्तों कि आपके मुर्गे में ये बीमारी कभी भी अटैक नहीं कर पाएगी। जैसे कि दोस्तों अभी यहाँ पे जब मैं आया, ये फार्म जो है ये उमेश भाई का फार्म है और एक्चुअली उमेश भाई कैमरे के सामने कभी आए नहीं हैं, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। पर उन्होंने जब मुझसे पूछा कि अजय भाई इसके लिए क्या उपाय है, कैसे बचाया जा सकता है इसको, तो मैंने उनको जो उपाय बताए हैं दोस्तों, वही उपाय मैं आप लोग को भी शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि कभी भी आप किसान भाइयों को इस बीमारी को लेकर तकलीफ़ ना हो। तो इसमें सबसे नंबर एक चीज़ पे जो आता है दोस्तों, वो है ये कि आपका जो चिक्स होता है ये जब प्रथम सप्ताह में होता है दोस्तों, तो इसका बॉडी वेट 200 ग्राम प्लस या लगभग 180 ग्राम प्लस हो जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए दोस्तों आप लोगों को मेहनत ये करनी होगी कि आप लोगों को फीड इनटेक अपने चिक्स का अच्छा रखना होगा। उसके लिए आप पहली एंटीबायोटिक डोज देने के बाद दूसरी एंटीबायोटिक डोज देंगे, उसके बाद में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जो भी दवाएं आप लगाना चाहें उसको लगाइए। अगर आपका बर्ड दोस्तों पहले सप्ताह में अच्छे से फीडिंग कर लेगा और अच्छे से पानी पिएगा, पानी इनटेक अच्छा रहेगा, तो इकोली बीमारी आने का खतरा बहुत ही कम हो जाएगा, एकदम ना के बराबर। दूसरी चीज़ यह है दोस्तों कि साफ़ सफाई पे जब बात आती है, तो साफ़ सफाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे किसान भाई होते हैं जो कि पाइपलाइन को बिना साफ़ किए ही अपने बर्ड में चला देते हैं। दूसरी चीज़ यह है, पाइपलाइन की साफ़ सफाई अच्छे से कर लें, H2O2 डाल करके दोस्तों अच्छे से 10 लीटर में आप 1 लीटर H2O2 मिला करके और अच्छी तरह से पाइपलाइन की सफाई कर लें। इसके बाद में ही आप लोग क्या करें कि पानी चालू करें बर्ड का। दूसरी चीज़ यह है दोस्तों कि आपका जो ड्रिंकर है उसमें किसी भी प्रकार से जो हरी काई टाइप से लग जाती है वो ना लगने दें, क्योंकि वो अगर लगेगा तो ये मान के चलिए कि आपके मुर्गे में दिक्कत होगी ज़रूर दोस्तों, तो उससे भी बचाव रखें। दूसरी बात ये है दोस्तों कि तीसरी बात कि आप लोग हमेशा अपने बर्ड का जो ड्रिंकर होता है दोस्तों, चाहे ऑटोमेटिक ड्रिंकर हो या मैनुअल हो, इन दोनों ड्रिंकर्स का आप लोग सफाई विशेष रूप से करें, यानी दिन में 3 बार तो नहीं हो सकता है लेकिन 2 बार तो ज़रूर करें सुबह शाम। अगर आप लोग इस तरह से साफ़ सफाई पे ध्यान रखते हैं तो ये बीमारी नहीं आएगी। अब रही बात दोस्तों कि अगर ये बीमारी आ गई है तो इससे निदान कैसे पाया जाए, तो एक देसी नुस्खा है दोस्तों। वैसे तो अंग्रेजी दवाओं में कोलेस्टीन DP है जो कि आप चला देंगे तो भी इकोलाई जा सकती है, पर आप लोग क्या करें कि नीला तूतिया, जो इसको नीला तोता के नाम से जाना जाता है, और उसके साथ में नौसादर, 1000 बर्ड पे 100 ग्राम ये दोनों चीज़ों को आप मिला करके अच्छी तरह से और गुड़ मिला करके सुबह के टाइम पे अपने चिक्स को ज़रूर पिलाएं। इससे क्या होगा दोस्तों कि उनके अंदर की जो नलियां होती हैं, नलिकाएं होती हैं, वो सब बेहतर हो जाएंगी और आपके चिक्स का मोर्टेलिटी परसेंटेज भी कम हो जाएगा, पानी इंटेक भी बढ़ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हमने बताई दोस्तों उसको ध्यान रखिए,
आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।